अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शन। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी शाहीनों से खूब मार खाए MiG-21 तैयारा तबाह कराया। पाक फौज के हाथों गिरफ्तार हुआ भारत की साख पर बदनुमा दाग लगाने वाले पायलट अभिनंदन के मामले पर हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। भारत ने तारीखी बेइज्जती पर अभिनंदन को सजा देने के बजाय अवार्ड देकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान ने अवार्ड मजाक करा दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, इंडिया ने अपनी खफ मिटाने और आवाम को खुश करने के लिए अभिनंदन को अवार्ड दिया। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी के शिकस्त खुर्दा भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड मिलने पर तंजियावार, तकरीब को कॉमेडी फिल्म की शूटिंग करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अभिनंदन भी सोच रहा होगा मुझे किधर ले जाया जा रहा है, मैंने क्या किया। भारत की एक बार फिर जग हंसाई, मोदी सरकार को 27 फरवरी 2019 की रुसवाई कम लगने लगी। मजीद जिल्लत उठाने के लिए शिकस्त खुर्दा पायलट अभिनंदन को अवार्ड दे दिया, एक बार फिर अपना मजाक बनवा लिया। सोशल मीडिया पर तंज व तनकीद का तूफान आ गया। भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान में F-16 तैयारों की गिनती की, कोई तैयारा गायब नहीं है। ओकारा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, CTD की जमान पार्क में कार्रवाई, दो दहशतगर्द सगीर शाह और जब्बार गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, LED बैटरी और इलेक्ट्रिक स्विच बरामद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दी गई, नून लीग का हल्फनामे और ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर हल्फनामे में बात दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें, गलत है तो राणा शमीम को सजा दी जाए। अमेरिका में जायदाद के साबिक सदर आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी, एहतसाब अदालत के रूबरू नैब प्रोसिक्यूटर ने बता दिया। जरदारी इस केस की तहकीकात में मतलूब हैं, ना ही वारंट गिरफ्तारी जारी किए, नैब ने इन्हें तलब भी नहीं किया। आइंदा समाअत पर नैब और फारूक एचनाइक से दलाइल तलब। आइंदा 3 माह बहुत अहम है, हो सकता है हुकूमत 5 साल पूरे कर ले मगर चेहरा तब्दील हो सकता है। PP रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया, कहा नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। मजीद वीडियोस और ऑडियोस के मंजरियाम पर आने की भी पेशगोई कर दी। ओवरसीज पाकिस्तान फोरम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा, इलेक्शन कमीशन में आई वोटिंग हक से मुतालिक याददाश्त जमा करा दी। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा ने कहा, अगर सियासी जमातें हमारे हक में खयानत का मुजाहिरा कर रही हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता ढूंढने में कामयाब होगा। वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल भी इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे में शरीक। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, कीमत में 52 पैसे कमी रिकॉर्ड, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 174.25 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी, 65 पॉइंट की कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स 45,687 पॉइंट की सतह पर आ गया। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब, चूल्हे ठंडे हो गए, कराची, लाहौर, कोयटा, खुशाब और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना, लकड़ियाँ भी महंगी हो गयी, नान बाइयों ने कीमतें बढ़ा दी। वजीर आजम की जेर सदारत माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इजलास, वजीर आजम की पायदार मंसूबा बंदी तैयार करने का हुक्म, मुतालिका महकमों को आलूदगी से निमटने के लिए सूबों से तआवुन की भी हिदायत, कहा बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए माहौल बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज है। मंशूर के मुताबिक साफ और आलूदगी से पाक पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में फिजाई आलूदगी का राज, लाहौर में भी बदस्तूर फिजा आलूदा, फसलों की बाकियात जलाने, गाड़ियों के धुएं समेत अहम वजूहात के तदराक के लिए हुकूमत खातिर ख्वाह इकदाम ना कर सकी। मुल्क में कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में नुमाया कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जहाँ बहाक, जबकि कोरोना के 315 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड। बिजनेस गिल्ड और इस्लामिक क्लब के तआवुन से 25 से 28 नवंबर तक शेड्यूल चैंपियंस लीग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इस्लामिक क्लब कराची में इनेकाद किया जा रहा है। तर्जुमान KBG फराजुर रहमान के मुताबिक चैंपियंस लीग के इनेकाद का मकसद नौजवानों में टेबल टेनिस के खेल को फरोग देने के साथ मर्द और खवातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए यकसा मौके फराहम करना है। BTV बतौर डिजिटल मीडिया पार्टनर 4 रोजा इवेंट की अहम खबरों से आगाह करता रहेगा। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोजा पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो 2021 मुनक्किद की गई, तकरीब 23-25 नवंबर जारी रहेगी। मुकामी और बैन अल-अक़वामी मैन्युफैक्चरर्स और आलात और खिदमात फराहम करने वालों को पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ बराह रास्त राब्ता करने के बेहतरीन मौके फराहम करने के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, इमरान इस्माइल ने रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। और लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को बिछड़े 38 बरस बीत गए, मद्दा आज भी चॉकलेटी हीरो के नाम से याद करते हैं। फनी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज, निगाह, ग्रेजुएट, नेशनल, मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।